अगर आप भी WhatsApp यूजर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं WhatsApp में 2020 में आने वाले कुछ ऐसे 5 धमाका फीचर्स जो आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो हे गाइस, मेरा नाम आदित्य झा और आप देख रहे हैं आदित्यूब ऑन यूट्यूब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में आगे लाता रहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले WhatsApp फीचर के बारे में बात करें तो आप जब भी किसी भी चैट का या ग्रुप का नोटिफिकेशन म्यूट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, 8 घंटे का, 1 हफ्ते का और 1 साल का। लेकिन अब जो फीचर आ रहा है, बहुत सही फीचर आ रहा है, यहाँ पे जो आपका 1 साल का फीचर था उसको हटा के यहाँ पे हमेशा का फीचर डाल दिया है। यानी आप अगर ऑलवेज से सिलेक्ट करते हो तो वो चैट या वो ग्रुप से आपको कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, अभी आपको WhatsApp में टॉप बार में एक सर्च का बटन मिलता है जिस पर क्लिक करके आप जिनसे भी चैट करते हो या आपके जितने भी WhatsApp में ग्रुप्स हैं आप उनको सर्च कर सकते हो। लेकिन आने वाले समय में आपको WhatsApp में एक एडवांस सर्च का ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप क्लिक करके अपने WhatsApp पे जितने भी ऑडियो, वीडियो, फोटो, मीडिया, अपने जितने भी GIF लिंक्स, जितने भी आपने भेजे हैं आप उनको भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक सर्च करके दिखा देता हूँ। मैंने एक फ़ोटो भेजा है और उसमें कैप्शन लिखा है फॉलो अस बटन। तो देख सकते हैं, मैंने फॉलो अस लिखा है तो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया है फॉलो अस बटन्स। यानी आप कुछ भी, आप जो भी भेजोगे आप उनको भी सर्च कर सकते हो। ये आने वाला फीचर आपका बहुत टाइम सेव करने वाला है। दोस्तों, WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक एक्सपायरिंग मीडिया नाम का फीचर लॉन्च करने वाला है, जिसमें क्या होगा, अगर आप किसी को भी फोटो, वीडियो या GIF फॉर्मेट में मीडिया भेजते हो तो आप जिसको भी भेज रहे हो वो जैसे ही वो देख लेगा उसी समय वो फोटो या वीडियो डिलीट हो जाएगा। अभी जो मैं आपको फीचर बताने जा रहा हूँ, इस फीचर पर WhatsApp बहुत ही दिनों से काम कर रहा है और कुछ ही दिनों में लॉन्च भी कर सकता है। इसमें क्या होगा, आप जो एक नंबर से अपना WhatsApp अकाउंट चला रहे हो वही सेम नंबर से आप 4 अलग अलग डिवाइसेस पे भी चला सकते हो। दोस्तों, ये फीचर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं हम WhatsApp में आने वाले कुछ 5 फीचर्स में से आखिरी फीचर्स के बारे में। दोस्तों, इस फीचर में क्या है, अगर कस्टम वॉलपेपर सेट करते हो अपने WhatsApp में तो वो आपने जो भी WhatsApp में वॉलपेपर सेट किया है सॉलिड कलर, वो आपके हर चैट या आपके हर ग्रुप में सेम रहेगा। लेकिन दोस्तों, अब जो फीचर आने वाला है उसमें आप अपने हर चैट्स और हर ग्रुप के लिए अलग अलग वॉलपेपर या सॉलिड कलर सेट कर सकते हो। दोस्तों, ये भी फीचर बहुत ही अच्छा है, आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये थे WhatsApp आने वाले कुछ 5 फीचर्स। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँगा।